बाजारों की बात करें तो रायड़े के बाजार तेज देखने को मिल रहे हैं, 4,500-4,550 रुपए तक ऊपर के बाजार देखने को मिल रहे हैं एक एक्स्ट्रा क्वालिटी के, और नीचे में 4,000 रुपए तक देखने को मिल रहे हैं। तो रायड़े के बाजारों में 50-75 रुपए का सुधार देखने को मिल रहा है। अलसी 4,300-4,450 रुपए तक के बाजार हैं, सेकंड क्वालिटी 4,200-4,250, नीचे में 4,000 रुपए तक। तारामीरा 2,950-3,200 रुपए तक के बाजार देखने को मिल रहे हैं। सोयाबीन 3,600-3,650 बढ़िया माल, और बिजवारे क्वालिटी का कोई भाव नहीं, 3,700-3,750 इस ऊपर भी। बाकी अमूमन 3,500-3,650 के सोयाबीन के बाजार देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा प्याज के बाजारों की बात करें, 100 रुपये से लगाकर 500 रुपये तक अमूमन 300-400-450 के व्यापार अधिक देखने को मिल रहे हैं। डॉलर चने की बात करें तो डॉलर चने में बाजार कुछ कम है आज, 5,025-5,030 तक ही ऊपर बढ़िया माल के सौदे हुए हैं, 4,900-5,025-30 रुपये तक बाजार है, सेकंड क्वालिटी 4,700-4,900, नीचे में 4,500-4,700 रुपये के बीच व्यापार है। मसूर की बात करें तो 4,800-4,850 रुपये के आसपास ही व्यापार हुआ है, बाजार कुछ भी नरम है, बढ़िया क्वालिटी बारीक हो मोटा लगभग अमूमन एक ही भाव में सौदे हो रहे हैं, अभी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, 48-48 से ऊपर के सौदे हुए नहीं है, बाजार कुछ भी कमी देखने को मिल रहा है। और चने की बात करें, लाल चना, विशाल चना और देशी चना लगभग 3,850-3,950 के बीच में व्यापार है, नीचे में 3,700 रुपये तक के बाजार देखने को मिल रहे हैं। तो लहसुन के बाजार देख लेते हैं दोस्तों, लहसुन के बाजार कैसे देखने को मिल रहे हैं। और असगन अश्वगंधा के बाजारों की भी बात करें तो असगन के बाजार में भी सुधार देखने को मिल रहा है, 27-28,000 रुपये तक ऊपर के बाजार हैं, नीचे में 10-11,000 रुपये तक बड़े बाजार हैं, और खेत बोझ टुकड़ी लगभग 12,000-18,000, एक्स्ट्रा माल 20,000 रुपये तक बिक रहे हैं, स्पेशल सेकंड क्वालिटी का माल 22,000-24,000, और एक नंबर स्पेशल माल 24,000-27,000-28,000 के बीच का बाजार है। तो अब देख लेते हैं लहसुन का बाजार कैसा है। जय हिंद, जय भारत, मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज के कृषि बाजार नीमच मंडी के देख लेते हैं, सजबी जिंसों के और लहसुन के कैसे हैं। और कल 28/5/2020 से नीमच कृषि उत्पाद मंडी में नीलामी कार्य प्रारंभ हो रहा है, गांव वाइज लिस्ट की कल हमने आपको सूचना दे दी है, और मंडी का नीलाम सुबह 9 बजे से गेहूँ और लहसुन का प्रारंभ हो जाएगा, और 9:30 बजे से लगभग सभी मंडियाँ प्रारंभ हो जाएगी, 9 और 9:30 बजे से सभी जिंसों का नीलाम प्रारंभ है, सिर्फ गेहूँ और लहसुन 9 बजे है। तो यह है नीलामी की सूचना, अब कल से मंडी प्रारंभ है, गांव वाइज लिस्ट से माल आएगा। अब बात करते हैं आज के बाजारों की। गेहूँ के बाजारों की बात करें, 1,700-1,725 रुपये मिल क्वालिटी, और अमूमन मिल 1,710-15 के आसपास बिक रहा है, बढ़िया मिल होगी तो 20-25 रुपये के आसपास में है। एवरेज माल 1,730-1,770, मीडियम माल 1,800, लोकवान मीडियम 1,800-1,850-60 रुपये के आसपास, बढ़िया लोकवान 1,870-1,925 रुपये, और सुपर क्वालिटी 1,925-2,000 रुपये के बीच में देखने को मिल रहे हैं बाजार। और एक आध लोड एक्स्ट्रा कुछ भी आ जाएगा तो 2,050-2,100 बिक सकता है, एक्स्ट्रा लॉट का कोई भाव पक्का नहीं है। जो कि बाजारों की बात करें, 1,460-1,480 रुपये के आसपास में है, और एवरेज क्वालिटी 1,430-1,450-60 रुपये के बीच, और नीचे में 1,400 रुपये के आसपास। तो जो के बाजार ये है। मक्का के बाजार की बात करें, 1,100 रुपये से 1,310-1,320 रुपये तक के बाजार, बढ़िया माल 1,250-1,310-1,320 रुपये के आसपास का बाजार है, नीचे में 1,100 रुपये तक मक्का का बाजार है। और इसके अलावा अनाज मंडी के अलावा किराना मंडी की बात करें, कलौंजी 14,000 रुपये तक ऊपर के बाजार हैं, प्रीमियम क्वालिटी 13,700-13,900 रुपये तक के बाजार हैं, और सेकंड क्वालिटी 13,400-1,600 रुपये, और एवरेज माल 12,800-13,200 रुपये तक, नीचे में 12,000 रुपये तक का कलौंजी का बाजार है। बाजार तो समान ही है, इसबगोल 9,800-9,900 तक ऊपर के हैं, एक्स्ट्रा पैकेट माल अमूमन 700-800 रुपये के बीच में पैकेट माल बिक रहे हैं, सेमी पैकेट माल 500-700, एवरेज फॉरेन 9,400-9,500, नीचे में 9,000 रुपये से क्वालिटी स्टार्ट है, और उससे नीचे जैसा माल वैसा दाम के हिसाब से है। इसके अलावा मेथी के बाजार आज कुछ सुधार रहा है, कल के मुकाबले 51 रुपये 3,800-3,925-50 रुपये तक बारीक मालों के भाव हैं, और एवरेज मोटे माल 4,000-4,200, अच्छे मोटे माल 4,300-4,800, और एक्स्ट्रा फाफड़े क्वालिटी का कोई भाव नहीं, 4,800-5,200-5,400-5,500 कुछ भी बिक जाए, जैसा माल वैसा दाम। इसके अलावा इस धनिया के बाजारों की बात करें, एवरेज माल जो है लगभग 4,000-4,500, बढ़िया बादामी माल 4,500-4,600, वाइट बादामी लगभग 4,600-4,800, ईगल माल 4,800-5,000, बेस्ट ईगल 5,000-5,200, स्कूटर माल 5,200-5,500 रुपये के बाजार है धनिया में। इसके अलावा बात करते हैं अपन अजवाइन के बाजारों की, 11,800-11,900 तक ऊपर में ग्रीन माल के बाजार हैं, बाकी ग्रीन टॉप माल 11,000-11,500, सेकंड क्वालिटी 10,000-10,800, और उनालू एवरेज माल जो है वो 9,000-10,000 के बीच में बिक रहा है, लगभग 9,500-10,500 की रेंज ज़्यादा आ रही है, और पोली वाले माल 8,000-9,500, जैसी क्वालिटी वैसा दाम। पोस्ते के बाजार लगभग समान ही रहे, ऊपर में 1,00,000-2,000-3,000 तक के बाजार है, टीनो पाल माल 1,00,000 रुपये के बाजार हैं, और सेमी 92,000-96,000-97,000 के बीच, और बढ़िया माल 87,000-89,000 रुपये तक।
नीचे में 82-83 हज़ार रुपये तक के पोस्ते के बाज़ार हैं। असालिया 3400 रुपये तक के ऊपर के बाज़ार हैं। बढ़िया माल 33-34 के बीच में बाज़ार हैं और नीचे में 3000 रुपये तक बाज़ार देखने को मिल रहा है। दोस्तों आज के लहसुन के टॉप क्वालिटी के माल तो इतने नहीं थे ऊटी में, मगर बाज़ार 8000 से 8500 के अभी भी हैं, इतने ऊपर के बाज़ार, और एवरेज मोटे माल 6500 से लगभग 7500 के आसपास। फूल गोला लड्डू टाइप माल 5500 से 6500, और लड्डू मीडियम कुछ भी हल्के माल जो आ रहे हैं 4000 से 5000 रुपये, जैसी क्वालिटी वैसा दाम। ऊटी लहसुनों के आवके सीमित, क्योंकि ऊटी की आवक आती है लगभग जावत क्षेत्र से, और जावत क्षेत्र एक तरह ब्लॉक हो चुका है, आवके सीमित हो चुकी है वहाँ पर पॉजिटिव संख्या अधिक होने से। इसके अलावा बात करते हैं जीटू मालों में, इतनी लेवाली नहीं है, दमदार मजबूत लेवाली जीटू में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है, और जीटू की आवके भी बहुत सीमित है। कल से मंडी चली रही है नीमच मंडी में, कल से आवके आने लग जाएगी नीमच तहसील की, और वास्तविक बाज़ार आपको सब मंडियों के भी पता लगने लग जाएंगे। जीटू माल 5200 से 5700 रुपये के लगभग आसपास में है, और एवरेज मोटे माल 4500 से 5000 रुपये के आसपास में है। लड्डू टाइप वाले माल 4000 से 4500 रुपये के आसपास में, मीडियम टाइप माल 3000 से 3500 रुपये के आसपास में। बाज़ार की स्थिति बात करें तो जीटू में भी लगभग आज बाज़ार ओवरऑल गिना जाए तो हर जगह समान है, इतनी कोई विशेष घटबढ़ कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही है। देशी लहसुन ऊपर में 5800 रुपये तक बिका है, 5800 रुपये प्रति क्विंटल तक। मोटे बम माल जो है लगभग 5200 से 5600 रुपये, 5600 से 5700 रुपये के आसपास में व्यापार हुए हैं, और फुल गोले टाइप माल 4500 से 5052 रुपये के बीच, लड्डू टाइप माल 4000 से 4400 रुपये के बीच। और बाज़ारों की स्थिति बात करें तो समान टाइप ही बाज़ार है, कोई विशेष गड़बड़ देखने को नहीं मिल रही है। और इसके अलावा बात करें अपन 5800 रुपये ऊपर में देशी का माल बिका है, लड्डू टाइप माल 3500 से 4000 रुपये के आसपास, मीडियम टाइप माल 3000 से 3500, और एवरेज मीडियम 2500 से 3000 रुपये के आसपास में देखने को मिल रही है। बाज़ारों की स्थिति की बात करें तो लगभग बाज़ार समान टाइप ही, कोई विशेष गड़बड़ देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। यह है आज के बाज़ार, और कल से मंडी प्रारंभ भी हो रही है।